हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो बहुत महीनों से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि दी अपना होम टूर जो है, माइके का जो घर है वो ज़रूर दिखाना, हाउस टूर करवाना। बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रॉपरली शूट करने का, तो मैंने सोचा कि चलो शूट करते हैं, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी वो भी यहीं की हुई थी, माइके की ही हुई थी। और तब से आप लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया था, मतलब जून से बोल सकते हैं कि दी प्लीज़ अपना हाउस टूर करवाना, मम्मी पापा का घर कैसा है दिखाना। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है वो मैं करती हूँ आप पूरी, तो आपको मैं अपना घर दिखाऊंगी पूरा, जैसा भी है, छोटा बड़ा जो भी है यही है। तो प्लीज़ मतलब घर देख के ऐसे जज मत करना कि ऐसा नहीं है। जो किसान लोग होते हैं या घर पे जो काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों के घर ऐसे ही होते हैं। कुछ के इससे अच्छे भी होते हैं, कुछ के इससे अच्छे नहीं भी होते। बट जो भी है, ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत से है जो भी हम लोग करते हैं, मेहनत से ही होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये हाउस टूर। तो चलिए हाउस टूर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा तुलसी जी का पौधा है जो एकदम हमारी मेन एंट्रेंस के सामने है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो एकदम दरवाजे के सामने ही लगा होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूरा घर। तो पहले ये आधा ही था घर, आधा पोर्शन जो है इसका बाद में बनाया गया है। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इतना ही था पहले। तो इस तरफ को भी देख लीजिए पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ इस बार। तो ये जो सामने की तरफ आपको डोर दिखाई दे रहा है, ये है मेन एंट्रेंस और इतना ही था ये घर पहले। और ये किचन की एंट्रेंस है, और किचन की जो एंट्रेंस है वो अंदर से भी कनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है, बट पहले नहीं था तो किचन बाद में बनाया है। और पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। तो इससे हम नहीं जाते हैं, इस दरवाजे से जाते हैं हम लोग घर के अंदर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दो पानी के कलश रखे होते हैं हमेशा ही भर के। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं हम लोग, तो ये सामने एकदम जो है मेरी दादी जी हैं, अम्मा बोलते थे हम लोग, उनकी फ़ोटो लगी है ये एकदम दरवाजे के सामने। तो ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ फ़ोटो का, और उसके बाद मैं आपको रूम्स दिखा देती हूँ। तो जैसे ही गेट खोलते हैं उसके सामने ये है दो रूम, मतलब गेट जो रूम है वो, तो ये है पहला रूम, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और इस तरफ को है चौथा रूम। तो उस तरफ को भी दिखा देती हूँ कि क्या है। और ये अंदर से हमने बाद में ये इंटरकनेक्टेड जो है ये रूम बनाया है, डाइनिंग रूम, और किचन भी इससे आगे है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। पहले ये यहाँ से नहीं था, ये बाद में बनाया है। तो ये सीढ़ियों के नीचे थोड़ा सा खाने पीने का, राशनिंग का जो भी सामान है वो भी रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी इस पोर्शन को कवर नहीं किया है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये जाती है छत के लिए, तो हम लोगों ने अंदर से ही रखी है स्टेयर्स, बाहर से नहीं है। तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं थी और दरवाज़ा बंद था, क्योंकि हमारा जो पेट है वो आपको पता है कि छत पर रहता है, तो यहाँ पर उसकी बेडिंग वगैरह की जाती है इस एरिया में। तो अभी तो सब कुछ समेटा हुआ है फ़िलहाल। तो चलिए फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम नंबर वन। तो ये है पहला रूम। इस रूम में ज़्यादातर जो है ये खाली रहता है, कोई नहीं सोता है इसमें, बट आजकल मैंने अब अपना बिस्तर यहाँ पे कर दिया है। तो ये यहाँ पे हमारा मंदिर भी है, पूजा भी यहीं पे होती है, और ये सामने की तरफ मनी प्लांट लगा है, और ऊपर ये शेल्फ एक ही रूम में रखी है हमने, बाकी रूम्स में नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कुछ बुक्स पड़ी हैं, और जो ये बर्तन वर्तन मिक्सी सब इसके ऊपर ही पड़ा रहता है। और हिमाचली घरों में आपको और कुछ मिलेगा मिले, लेकिन ये पेटियाँ ज़रूर मिलेगी, जो साइड में पेटी सी रखी हुई है, इसमें रज़ाइयाँ वगैरह होती है। तो अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, और बीच में ये एक गैलरी टाइप या हॉल जो भी बोल सकते हैं आप, ये है। तो इसमें हम लोगों ने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है तो फिर उससे सामान ख़राब हो जाता है। लेकिन सामने आप देख सकते हो कि इस तरफ को तराजू पड़ा है, कहीं पे कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो इसमें कुछ इस तरह का ही सामान रखा जाता है। और सामने ही देख सकते हो बोरी सी पड़ी हुई है, ये है मक्की के दाने की बोरी, जो किसी को देनी है तो यहीं पर रखी गई है।
तो चलिए एंटर करते हैं दूसरे रूम में। ये है मम्मी पापा का रूम। तो ये बहुत बड़े बड़े रूम्स नहीं है, नॉर्मल साइज़ के जितने भी होते हैं रूम वही हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये रूम। और आप नोटिस करोगे हमारे घर में कि विंडोज़ बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन के जो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से किया गया है। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैट्स है, ये मम्मी ने खुद बनाए हैं। तो ये आजकल बिछा के ही रखने पड़ते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो चलिए अब एंटर करते हैं तीसरे रूम में। तो ये हमारा थर्ड रूम है। हर एक रूम में बैठने के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सेटी सी पड़ी हुई है और वो पेटी, सामने मैंने कहा ना कि हिमाचलियों के पास ये पेटी ज़रूर मिलेगी, तो एक और पेटी है। इसमें रज़ाइयाँ कंबल जो भी एक्स्ट्रा होता है वो रखा जाता है। तो यहाँ पे भी एक डबल बेड बॉक्स लगा हुआ है और खिड़कियाँ सामने की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। तो कुछ इस तरीके से ये रूम। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये सामने की तरफ टेबल पड़ा है, इस पर वही मम्मी की मशीन, कुछ पापा का सामान ऐसे ही पड़ा है और जो कपड़े धुल के अभी रख देते हैं यहाँ पे। तो ये रही नेम प्लेट पापा की, जो बाहर फिक्स नहीं हो पा रही थी तो फिलहाल ऐसे ही अंदर ही रखी हुई है। तो ये हॉल जो है वो इस तरीके से हॉल बोल सकते हैं, गैलरी बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब लिविंग रूम के अंदर। तो ये हमारा गेस्ट रूम है। तो यहाँ पे ये एक सिंगल बेड यहाँ लगा है और ये देख सकते हो आप सामने की तरफ ये अलमीरा रखी है सामने। और मैट्स वगैरह यहाँ पे हर वक्त बिछा के ही रखने पड़ते हैं, और क्योंकि फर्श पे चलने में फिर ठंड लगती है, नीचे ठंडा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा गेस्ट रूम है। और ये टीवी इस तरफ को लगा हुआ है जो कि हम लोग नहीं देखते हैं और ये चल भी नहीं रहा है आजकल। तो चलिए अब इस वाले दरवाजे के अंदर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे ये जो ये रूम है ये बनाया गया था डाइनिंग रूम, ये पर्पज़ से बना है, लेकिन डाइनिंग टेबल अब जब कभी होगा तो होगा। ये रही सामने मैं। तो ये बेसिन एरिया है, वॉश बेसिन यहाँ पर लगा है एक। और ये एक बेड ऐसे ही रखा है जैसे कपड़े वगैरह धुल के आते हैं यहाँ पे रख देते हैं। और ये सामने की तरफ है हमारा बाथरूम। तो चलो बाथरूम भी दिखाई देती हूँ आपको, जब सब कुछ दिखा रहे हैं तो बाथरूम भी दिखाई देते हैं। तो ये रहा बाथरूम, अभी प्रॉपर्ली क्लीन नहीं था तो जैसा है वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। घर भी कोई प्रॉपर्ली जो है सेट नहीं था, जिस तरीके से था मैंने उसी तरीके से शूट कर लिया था, क्योंकि जब इतने सारे कमरे हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि सारे एक ही टाइम पर जो है एकदम सेट रखे गए हों। तो ये रूम है और इसके अंदर है ये है किचन। तो किचन के लिए दो एंट्रेंस है, अगर अंदर से आना चाहे तो अंदर से भी, या बाहर से सीधे किचन में आना चाहे तो किचन में भी। तो किचन जो है हमारा अभी पूरा नहीं बना है, मतलब आप देख सकते हो कि जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं किचन में वो नहीं लगे हैं। कुछ एरियाज़ जो हैं वो शेल्फ़ के नीचे वाले एरिया वो कवर नहीं किए हैं, वहाँ पर भी अभी जो है कैबिनेट्स टाइप के बनेंगे। तो ये रहा हमारा चूल्हा, और यहीं से चिमनी जाती है ऊपर के लिए, जो छत के ऊपर से निकाली गई है, उसको भी मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह का हमारा किचन। ये पटरे बनाए हैं खुद ही बैठने के लिए, तो उनको जब समेट देते हैं किचन तो ऐसे ही कोने में इकट्ठे कर देते हैं। तो दूसरी तरफ को भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये रहा किचन का ये वाला साइड, यहाँ से बाहर के लिए दिखता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फ्रिज भी यहीं पे लगा है, और बस इस तरीके का ही है जो भी है वो यही है। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से बाहर और दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का एरिया भी कि बाहर क्या है। तो ये हमारी तुलसी जी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी एकदम दरवाजे के सामने। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये भी टॉयलेट बाथरूम है बने हुए बाहर। तो बाथरूम को जो है अब एज अ स्टोर यूज़ करते हैं, पहले यही बाथरूम था क्योंकि जब ये किचन नहीं बना था तब हम लोग ये जो आपको टीन का ढारा सा दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग खाना बनाते थे जब किचन नहीं बना था। तो और ये पत्थर बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने इतने पत्थर क्यों रखे हैं, तो इसके पत्थर के पीछे का राज ये है कि यहाँ पे ये जो आपको खड्डा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बनेगा टैंक, वाटर टैंक। तो फिर उसमें ये पत्थर फिर सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो घर का जो है पीछे का एरिया भी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि घर पीछे से कैसा नज़र आता है। तो ये घर का जो साइड वाला एरिया है वो है, यहाँ पे खेत में आलू लगे हुए हैं तो मैं साइड साइड से ही चलती हूँ।
क्योंकि जहाँ पे घर बनाया ये पहले पूरा खेत होता था हमारा काफ़ी बड़ा सा, तो पीछे की तरफ से घर हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो ये सीढ़ी जो दिख रहे हो आप, ये ऐसी रखी जाती है छज्जी के नीचे ही, ताकि इस पे पानी वगैरह बारिश का ना पड़े। तो संगा बोलते हैं हमारे यहाँ पे सीढ़ी को, जो ये लेडर रखी हुई है वहाँ पे। और घर के पीछे ये छोटा सा किचन गार्डन भी है। और यहाँ पे हमने ये मटर, हरे मटर लगे हैं, कुछ लहसुन प्याज वगैरह जो भी लगाते हैं वो थोड़ी सी क्यारियाँ सी बना रखी है, अदरवाइज़ यहाँ पे खेती होता है। तो ये पीछे की तरफ ये है, और सामने की तरफ ये जो थोड़ा सा पोर्शन आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये बाथरूम है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था। तो बाहर से इस तरीके का है ये। और चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ये हमारी मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे घास को कतरे कतरे करने वाली, घास काटने वाली। और ये किचन है, और ये रही चिमनी जो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी। तो बाहर से कुछ ऐसी नज़र आती है ये, और ऊपर टंकी इस तरीके से लगी है। तो ये है हमारा घर, बाहर से इस तरह का लगता है। और ये रहे वो बाथरूम और टॉयलेट, बाथरूम तो स्टोर बना दिया है, टॉयलेट अभी भी कभी उसको भी यूज़ कर लेते हैं, कभी अंदर वाला भी। तो ये बाहर एक और किचन गार्डन घर के सामने ही है हमारा। तो ये था मेरा हाउस टूर। तो ये था मेरा मायके का घर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। एक्चुअली घर हर वक्त टिप टॉप पड़ा रहे ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर में जो है और भी काम होते हैं। सिर्फ एक ही काम ये नहीं होता है कि सिर्फ घर को मेंटेन करके रखे, बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो कभी झाड़ू लग पाता है, कभी नहीं लग पाता है। पोछा तो बहुत दिनों दिनों बाद बारी आती है पोछे की। बट चलो जो भी है, यही था। बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको आज का ये जो हाउस टूर का व्लॉग था, जो वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जिन जिन लोगों को मुझसे शिकायत थी कि मैंने आपको हाउस टूर नहीं करवाया नहीं करवाया, उनकी हो सकता है ये शिकायत जो है वो पूरी हो गई होगी। तो अभी बल्कि थोड़ी देर पहले ही मुझे कमेंट भी आया था कि आप अपना हाउस टूर कब करवाओगे। अमनदीप या अमनप्रीत, अमनदीप था शायद, उन्होंने किया था। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।